नमस्कार, ब्लॉगिंग विद अनीस में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास blogspot.com का URL का वेबसाइट है तो आप 24 से 48 घंटे में मोनेटाइजेशन करा सकते हैं उस वेबसाइट को। आपकी वेबसाइट 2 दिन पुरानी हो, 4 दिन पुरानी हो या 2 महीने पुरानी हो, कोई मतलब नहीं है। आपने 2 पोस्ट लिखा है, 10 पोस्ट लिखा है या 20 पोस्ट लिखा है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट होनी चाहिए, आपको मोनेटाइजेशन अप्रूवल मिल जाएगा। तो कल के वीडियो में मैंने आपके सामने अप्लाई करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे ऊपर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप जाकर उस वीडियो को पहले पूरा देखें कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है और अप्लाई कैसे किया जाता है। तो मैंने कल 2 वेबसाइट को अप्लाई किया था अपना। तो एक वेबसाइट को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, दूसरे वेबसाइट को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ब्लू प्रॉफिट साइट एक्टिवेटेड है, ब्लॉगिंग विथ अनिश, वन ऑफ योर साइट हैज बीन एक्टिवेटेड, साइट नेम ब्लॉगर टिप्स बाई अनिश डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। अब इस वेबसाइट को मैं खोल कर दिखाता हूँ। इस वेबसाइट को इन्होंने अप्रूव कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है जिसपे मुझे अप्रूवल मिला है। अभी इस पे कहीं भी कोई ऐड नहीं शो हो रहा है। अब मैं आपको इस पे दिखाऊंगा कि ऐड को कैसे शो करना है। तो चलिए मैं पहले बुलेट प्रॉफिट पर लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं एक बार आपको फिर साइट में जाकर दिखा देता हूँ अप्रूवल का। यहाँ पे तो अभी इम्प्रेशन, क्लिक्स, अर्निंग सारा 0 होगा। आप यहाँ देखिए, साइट पे मैं आ गया। साइट पे आने के बाद मैनेज साइट पे मैं आया। मैनेज साइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉगर टिप्स बाय अनिस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है, ये रिजेक्टेड दिख रहा है। और मैं यहाँ पे ऐड कोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई ऐड नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। उसके लिए मुझे यहाँ ऐड कोड में जाना होगा, क्रिएट पे जाना होगा। ऐड कोड में जाने के बाद और यहाँ आप पता चलेगा कि इस ऐड कंपनी वेबसाइट के पास कितने तरीके के ऐड हैं। नेटिव ऐड है, पॉपअप ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, कौन कौन से तरीके के ऐड्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्मार्ट लिंक ऐड है, ये आपको एडसेंस में नहीं मिलता है। पॉपअप ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, उसके बाद से इंटरसियल ऐड है, ये अभी कमिंग सून है, नहीं सॉरी ये भी है, एक्टिव है। और कमिंग सून में आप देखिए टेक्स्ट एंड इमेज, नेटिव ऐड और वीडियो ऐड, ये कमिंग सून में है आपको यहाँ पे। तो इसमें से मैं एक डिस्प्ले ऐड आपको करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले ऐड, ऐड कोड नेम यहाँ मुझे डालना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ डिस्प्ले ऐड, क्योंकि मुझे इससे ध्यान रहेगा कि मैंने कौन कौन से ऐड लगा दिए हैं अपने वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव चाहिए या फिक्स चाहिए, तो मैं रिस्पॉन्सिव ही रखता हूँ। मुझे अभी हॉरिजॉन्टल चाहिए, मैं हेडर में लगा के दिखाऊंगा आप लोग को ऐड। और यहाँ पे टारगेटिंग साइट, यहाँ पे सिलेक्ट साइट, तो जो मेरी वेबसाइट अप्रूव हो गई है उसका ये आ जाएगा। उसके बाद से आप चाहते हैं स्टिकी ऐड कोड, तो आप स्टिकी, मतलब स्टिकी का मतलब होता है कि वो चिपका ही रहेगा, कितना भी लोग दूसरे दूसरे पेज पे भी चले जाएंगे लेकिन वो ऐड दिखेगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि हेडर पे स्टिकी ऐड लगाना सही नहीं होता है। कहाँ कहाँ स्टिकी ऐड लगाना सही होता है वह मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो अब देखिए मैंने सारा चीज़ यहाँ पे चूज कर लिया है, और उसके बाद से क्रिएट ऐड पे मैं क्लिक करूँगा। क्रिएट ऐड पे मैंने यहाँ क्लिक किया तो मुझे अब यहाँ से ऐड का कोड मिलेगा। अब उस ऐड के कोड को मैं पेस्ट करूँगा। कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे मैंने इस को कॉपी कर लिया। उसके बाद से मैं आपको एक बार फिर से यहाँ दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे कोई भी ऐड नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं इस पे कोई भी ऐड यहाँ पे नहीं है। अब मैं जाता हूँ ब्लॉगर पे। देखिए दोस्तों,
ये बहुत बढ़िया है। एडसेंस के चक्कर में आप पड़े रह जाते हैं और आपकी जो एडसेंस है अप्रूव नहीं हो पाती है, और जब आपकी एडसेंस अप्रूव नहीं हो पाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, मेहनत भी करते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं, लेकिन बाद में निराशा ही हाथ में आता है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। आप इस एड कंपनी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कमा सकते हैं। अरे ना से तो बेहतर है बहुत कुछ। ये बहुत अच्छा एड कंपनी है, ऐसा नहीं है केवल एडसेंस ही एक एड कंपनी है, बहुत सारे एड्स कंपनीज हैं जो कि एड पे अर्निंग अच्छा कराते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा अपने इस डिस्प्ले को और थोड़ा ये कर लूँ, छोटा कर लूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है एड 72:8x90 HTML कोड। यहाँ से मैं इसको एडिट करूँगा, यहाँ मैं कोड डालना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे कंटेंट पे गया और कंटेंट पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं ऐसे इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ से फिर इसको सेव कर दिया। अब होता क्या है, समटाइम्स 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, कभी इंस्टेंट, कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं ऐड को, नए अप्रूव्ड वेबसाइट पे ऐड को शो होने में। तो खैर, मैंने यहाँ तो अपडेट कर दिया है। अब यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पे ऐड शो हो जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ऐड शो होने लगा, ग्रैब अ ग्रेट डील, डाउनलोड दिस ऐप एंड अर्न मनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड शो होने लगा, ये हेडर का ऐड है, ये ऐड शो होने लगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस ऐड कंपनी के पास जिसने ऐड करवाई है। आप यहाँ चले आए, तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद से फिर से या तो दूसरा ऐड आएगा, नहीं तो वही ऐड आएगा, नहीं वही ऐड आया, ग्रैब अ ग्रेट डील, डाउनलोड दिस ऐप एंड अर्न मनी। तो ये मेरे नीच से रिलेटेड है ऐड। देखिए, मेरे नीच, जो मेरा नीच है अर्न मनी, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, उस नीच को इसने आइडेंटिफाई करके उसी तरीके का ऐड दिया है। अब ये मेरी अर्निंग वाली ऐप है और यहाँ ऐड आता यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो कोई भी मेरे व्यूवर्स पे क्लिक नहीं करते क्योंकि उनको कोई उनसे मतलब ही नहीं है, ना वो तैयारी करते हैं और ना उनको उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो जो रिलेटिव एड्स होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके व्यूवर्स उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट और किसी नए जानकारी के साथ।